नमस्कार दोस्तों, विमलास किचन में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाई है चटनी। गर्मी का मौसम है, चटनी खूब भाती है खाने के साथ। तो यहाँ पे चटनी हम बना रहे हैं कोरिएंडर और मिंट का। और ये चटनियाँ जो रेस्टोरेंट में मिलती हैं, ये उसी स्टाइल में हमने ये बनाई हैं। और देखे कैसे बनाई है चटनी। तो यहाँ पे हमने लिए हैं मिंट, जिसे पुदीना कहते हैं, पुदीना और हरा धनिया। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कोरिएंडर और मिंट और ग्रीन चिल्ली, इनको हम मिक्सी में पीस करके चटनी तैयार करेंगे। तो मिंट हमने लेनी है सिर्फ़ एक भाग। मान लो हमने एक कटोरी मिंट लिया है, तो दो कटोरी हम कोरिएंडर लेंगे, ग्रीन कोरिएंडर को इस्तेमाल करेंगे। और चिल्ली जितना भी आप तीखा ले पसंद करते हैं, उतना तीखा आप चटनी में डाल सकते। तो यहाँ पे मैं कम थोड़ा ले रही हूँ। तो और इनको हम मिक्सी में पीसेंगे। और यहाँ पे मैं सॉल्ट अभी नहीं डालूँगी, जब मेरी चटनी बन पिस जाएगी तो मैं बाद में इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी। और देखिए हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई है। और हम अलग बाउल में इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने अलग कर लिया है बाउल में। और इसमें हम डाल रहे हैं अभी सॉल्ट, और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो एक चटनी हमारी ये बनती है, जिसे हमने अभी ये बनाया है। इसे हरे धनिया पुदीने की चटनी कहा जाता है। तो नॉर्मली घरों में सब लोग इसी तरीके की चटनी बनाते हैं। तो अभी हम जो दूसरे तरीके की चटनी बना रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में आप देखते हैं, तो वो हम दही कर्ड ले रहे हैं यहाँ पे। तो दही मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट इसमें ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं आप, वाइट सॉल्ट ले सकते हैं। और इसमें हम ये चटनी, जो हमने अभी चटनी पीसी है, 1 टीस्पून हमने ये चटनी मिक्स ली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं भी इसे थोड़ा गाढ़ा ही रख रही हूँ चटनी को। और जब मैं इसे सर्व करूँगी तो तब इसमें थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा पतला करूँगी। तो अभी मैं इसे गाढ़ा ही रखूँगी। और ये देखिए हमने चटनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बेस जो कर्ड के जो लम्स थे, अच्छे से निकल चुके हैं। तो ये चटनी एक हमारी बनती है, और ये बहुत टेस्टी लगती है चटनी। और अभी हम यहाँ पे तीसरे जो चटनी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिया है मेयोनीज। मेयोनीज लिया है, मेयोनीज को जो है हम ये 2 टेबल स्पून, जैसे जितनी क्वांटिटी में हमने बनानी है चटनी, उसी क्वांटिटी में हमने लेना है। और इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट, जो वाइट सॉल्ट बोलेंगे जिसको। तो इनको मिला करके हमने मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ से भी हमने, अब ये जो चटनी हमने बनाई थी तो इसको हमने 1 टीस्पून चटनी लेकर के मेयोनीज में ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी भी हमें बहुत अच्छी स्नैक्स वगैरह के साथ में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसको आप थोड़ा सा, अगर ये इतना गाढ़ा ठीक रहता है, अच्छा लगता है इतना गाढ़ापन इसका। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ग्रीन कलर, जिससे इसमें ग्रीन कलर का लुक आ जाए अच्छे से। तो इसीलिए यहाँ हमने फूड कलर का इस्तेमाल इसमें किया है। अधिकतर रेस्टोरेंट में जो सॉस मिलते हैं आपको सैलड के साथ में, तो वो इसी तरीके से बनाया हुआ रहता है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारी कोरिएंडर और मिंट से जो हमने तीन रेस्टोरेंट स्टाइल चटनियाँ बनाई हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। इनको खाने के साथ और स्नैक्स वगैरह के साथ में आप सर्व कर सकते हैं।